Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good and I am also fine. In today's video, I am going to talk regarding this map. That is the map below is of the town of Galsan. A new supermarket is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Galsan jada town hai ode bare gal kiti hai oda map dassya hoya ode vich dassya inne भी दो जड़िया सुपरमार्केट प्रपोज किए गए भी प्लैनिंग की गई है भी दो सुपरमार्केट बनाई जाएगी वो कितने कितने बनाई जाएगी वो बारे गल की हुई है। ये देखो पहला जिमें कि इन्होंने इतने गया एक सुपरमार्केट वन या एक सुपरमार्केट टू है, दो सुपरमार्केट की गल की हुई है। इधर इन्होंने सारे दस्या होया भी ये हैगा कंट्रीसाइड एरिया हैगा नैच नीचे जोड़ा है वाइट वाला येलो लाइट येलो आ जोड़ा वो की है टाउन सेंटर है जिते पार्किंग नहीं अवेलेबल हैगी ट्रैफिक प्रॉब्लम ट्रैफिक जोन नो ट्रैफिक जोन है। थर्ड जिहड़ा ब्राउन वन है वो की हाउसिंग है फिर क्या फोर्थ वन जिहड़ा कि वो इंडस्ट्री है जिहड़ी ए वाली जगह इंडस्ट्री है जिहड़े सीधियां लाइन जा रही वो की रेलवेज आ जिहड़ी आ वाली लाइन जा रही है ये रेलवे आ जिहड़ा दूजा आ जिहड़ी एरो वाली लाइन जा रही है वो की रोडवे आ। एक इन्होंने दस्सिया एस टू मतलब सेंटर दे विच इक बना सकते हैं मार्केट दूजी इन्होंने दसिया एस वन जी कि कंट्री साइड एरिया से बना सकते ये इन्होंने दसिया भी हिंडसन टाउन है जोड़ा कि 12 किलोमीटर अवे आ ये तो यह की है 10,000 पापूलेशन का है। तो दूजा इन्होंने दसिया है बैनसन टाउन वो की है पापूलेशन हैगी 15,000 जोड़ा कि है 16 किलोमीटर अवे है। तो थर्ड वन जोड़ा दसिया इन्होंने 25 किलोमीटर अवे है ये हैगा कैनसन टाउन तो पापूलेशन हैगी 29,000। तो जो गालसन टाउन है पापूलेशन वो हैगी 65,000 है। ये एरो शो करता है कि नॉर्थ में शो करता पाया मतलब उपर वाली साइड नॉर्थ है भी हाउसिंग जी बनी हुई है वो इतने आ वाली हाउसिंग है एक हैगी ए वाली हाउसिंग ये दोनों हाउसिंग है हाउसिंग बनी हुई है नॉर्थ तो साउथ वाले डायरेक्शन के जी ए वाली सारी चीज़ है आ जी पूरी जगह इन्नी बड़ी ए हैगी अपने को इंडस्ट्रीज एरिया फिर जी आ वाली अंदर वाली जगह एक ही टाउन सेंटर है जोड़ा आह आ बहर वाला जोड़ा है ये सारा कंट्री साइड एरिया है आह वाला सारा कंट्री साइड एरिया है जेडे इतने एक उन्होंने कहा भी एस वन की जगह पर बना दी जाऊगी इतने बना दी जा सकती है दूजा उन्होंने कहा एस टू की जगह पर बना दी जाऊगी। तो इतने अपने को इन्होंने सारा कुछ दसिया रेलवे रोडवेज किमें किमें है वो बारे आप गल करते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाई कि मैं किमें लिखा ये टास्क तुम्हें ये अलग अलग तरीके लिख सकते हैं अपना बट आप जिमें मैं लिखा वो अकॉर्डिंग देख लो भी किमें लिख सकते हैं तुम्हें इनू ये देखो पहला ये डेफिनेशन लिखी जी इंट्रोडक्शन जिन्होंने आप कहने क्योंकि चार पैसेजेस लिखने होंगे अपने चार पैराग्राफ लिखने होंगे तो पहला आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं फिर आप बीपी वन लिखते हैं फिर बीपी टू लिखते हैं फिर आप ओवरऑल लिख दें ये अपनी मर्जी होंगी कि आप किमें करना चाहते हैं आप इंट्रोडक्शन तो बाद भी ओवरऑल लिख सकते हैं वो अपनी डिसीजन होंगे कि आप किमें करना है। ये देखो मैं किमें लिखा है इंट्रोडक्शन किमें लिखी क्योंकि उन्होंने की दस्या गालसन डाउन गालसन टाउन है जोड़ा वो बारे दस्या भी वह किमें का हैगा तो उत्तर जोड़ा कि सुपरमार्केट बनानी है वो मैं दस्या द गिवन मैप इलस्ट्रेट्स रिगार्डिंग टाउन गालसन वीर आ न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग टू लोकेशंस ठीक है जितने कि एक नवी सुपरमार्केट बननी है तो वो उन्होंने दो लोकेशन प्रोवाइड की आप एक एस वन एक एस टू ठीक है। यह आप इतने लिख दिता भी किमें आ गिवन मैप अपन की दसदा आ भी सुपरमार्केट बारे दसदा जी कि बननी आ गालसन डाउन के दो लोकेशन उन्होंने दसिया हुई फस्ट आपने लिखा फस्ट पैराग्राफ मैं स्टार्ट किया पापूलेशन ऑफ दिस टाउन इज 65,000 ए टाउन की पापूलेशन की 65,000 उन्होंने क्या होया सीगा वो आप दस दिता 65,000 है विच इज़ डिवाइडेड इन टू 29,000 विच इज़ लिविंग इन 25 किलोमीटर एरिया क्योंकि गालसन डाउन पूरा है एक तो जे अलग अलग जो उन्होंने शहर होर बने हुए हो बारे गल की आपने भी इन्ने इन्ने किलोमीटर अवे आ बारे गल की इन अनदर 16 किलोमीटर 15,000 पीपल आर डिवेलिंग जो दूजे 16 किलोमीटर उ 15,000 लोग होर रह रहे हैं फिर की लिखा एंड ओनली 10,000 आर स्टेइंग इन एरिया दिस इज 12 किलोमीटर अपार्ट तो होर कि जो है 10,000 सिर्फ लोग रह रहे एरिया जोड़ा कि सिर्फ 12 किलोमीटर अपार्ट है 12 किलोमीटर दूर है वो तो
देयर इज़ हाउसिंग अवेलेबल, हाउसिंग अवेलेबल सी एक नॉर्थ साइड के सी एक साउथ साइड के इन द नॉर्थ डायरेक्शन अलोंग विद साउथ ऑफ द टाउन। ठीक है, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन के अवेलेबल है अपने को हाउसिंग, दूजी की साउथ के हैगी अवेलेबल। तो आप फिर की दसिया मोस्ट प्रपोर्शन ऑफ द गर्ल्स एन इज़ अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रीज, जिहड़ी सब तो ज़्यादा प्रपोर्शन है जिहड़ा सेंटर तो बाद है, सेंटर ऑफ टाउन तो बाद है, वो की अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बनिया हुई अपने वरायटी शो करनी सी करके मैं लिखा। फिर अगे जो सैकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करना से अपने ये प्रपोर्शन बारे दसिया भी कि उन्होंने साइट कही हुई है वो बारे। इन द सेंटर वहीकल्स आर नॉट अलाउड, उन्होंने कहा से ना वहीकल्स नहीं है इतने, जोड़ा ट्रैफिक नो ट्रैफिक जोन सेगा, नो ट्रैफिक एरिया सेगा, उत्थे आपां लिख दिता वहीकल्स अलाउड नहीं है उत्थे। वेयर पीपल हैव प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट, जिथे कि लोगों ने किया है, जिथे लोगों ने एक प्रपोजल दिता है कंस्ट्रक्ट करन लई, टू कंस्ट्रक्ट सुपर मार्केट, सुपर मार्केट कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए है भी उत्थे कर देनी चाहिए। सेंटर ऑफ टाउन जिहड़ा जिथे वहीकल्स नहीं अलाउड है उत्थे उन्होंने एक सुपर मार्केट किया है, उत्थे बना दो सुपर मार्केट। बिसाइड दिस अनदर ऑप्शन इज कंट्री साइड स्पेस आउट ऑफ द टाउन, जरा कंट्री साइड एरिया है टाउन के बाहर उत्थे एक दो लोगों ने कहा हुआ भी उत्थे बना दिता जाए। वेयर बोथ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कैन बी इंजॉयड बाय पीपल इनकलूडिंग रेलवे एंड रोड्स, जिते कि दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लोग इंजॉय कर सकते हैं, जेडे कि रेलवे भी है तो रोडवे भी है, रोड्स आ तो रेलवे आ। ठीक है, ये अपने सैकेंड पैराग्राफ के लिख दिता मैं भी, मैं दसता भी जेडे प्रपोज उन्होंने प्रपोर्शन दिते हुए आ, जेडे उन्होंने नवे सुजैशन दतिया भी इतने इतने बनाया जा सकता वो बारे गल की है भी। सेंटर जिते वहीकल्स नहीं अलाउड है एक तो लोगों ने कहा भी उत्थे बना दो तुसी कंस्ट्रक्ट कर दो नवी सुपर मार्केट न, क्योंकि उत्थे की ट्रैफिक घट है, क्योंकि उत्थे की अपने को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, ज़्यादा वॉइस नहीं आनगियां, नॉइज़ नहीं आनगियां वहीकल्स दियां, ताकि ज़्यादा शोर नहीं होगा, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, घट होगा उस जगह के उत्ते। तो दूजा अपने की सी प्रपोज साइड दिती हुई सी, अनदर ऑप्शन कही सी कंट्री साइड एरिया, जिहड़े कि कंट्री साइड एरिया दे विच बना दो जिथे बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हैगी, जिथे कि आपां नूं की आ दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाते, क्योंकि सेंटर ऑफ टाउन दे विच सिर्फ रोड्स ही आते सीगे, तो वह की है रेलवेज़ भी आदि सी। सिस्टम कैन बी इंजॉयड, जिहड़ा कि इंजॉय किया जा सकता पीपल तो, इनकलूडिंग रेलवेज़ एंड रोड्स, रेलवेज़ तो रोडवेज़ दोनों आप कंबाइन करके लिख सकते सी। फिर उस तो बाद ओवरऑल, ओवरऑल तो हमेशा अपने को यही आता कि जो आपने पूरे एस टास्क वन के लिखा हुआ, पूरे टास्क वन जो भी आपने लिखा वह सिट्टा की निकलता वो ओवरऑल होंगे। ओवरऑल के लिख दिता अपने, ऑल अमेनिटीज आर प्रेजेंट इन टाउन एक्सैप्ट सुपर मार्केट, सारिया चीज़ा अवेलेबल हैगियाँ टाउन के सुपर मार्केट तो इलावा, विच आइदर कैन बी जेडे कि बनाई जा सकती है, विच आइदर कैन बी बिल्ट इन टाउन सेंटर विद लैस ट्रैफिक। ठीक है, जेडी कि टाउन सेंटर के बनाई जा सकती जिते कि ट्रैफिक बहुत घट है, और इन आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, या फिर की है आउटस्कर्ट्स के बनाई जा सकती टाउन के, हैविंग गुड ट्रांसपोर्ट लिंक्स टू कम्यूट फॉर पीपल लिविंग देयर, उन्होंने लोगों के लिए जो उत्थे रह रहे हैं उन्होंने सौखा होजूगा ट्रांसपोर्ट लिंक उन्होंने वधिया मिल जाएगी, या फिर उत्थे बनाई जा सकती। ये ओवरऑल, ओवरऑल के आपने की दिता दसता भी पूरी अमेनिटीज भला कि अवेलेबल सगिया, बट की है जो सुपर मार्केट है उन्होंने बनाने का कितने सोचा है, एक तो उन्होंने क्या है भी सेंटर के बना दो ताकि की है लोगों को ट्रैफिक घट फेस करनी पवे लोगों को, तो दूजा उन्होंने की क्या और या फिर आउटस्कर्ट्स से बना दो, आउटस्कर्ट जोड़े होंगे शहर के बाहर बाहर बना दी जा सकती है, ताकि लोगों को वधिया ट्रांसपोर्ट लिंक होन कम्यूट करन लई एक जगह तो दूजी जगह जाने के लिए लोगों के को। तो हुण इह जिहड़ा टास्क है ये आपां आराम नाल सैवन बैंड्स मिल सकते हैं, क्यों मैं तुहानूं दस दी हूँ। पहला तो आपने की किया, पहला आपने छे सत्त तरह के अपने ये टेंस यूज किए, फस्ट देखियो इलस्ट्रेट्स ए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, फिर सुपर मार्केट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टड ए किया फ्यूचर आप यूज़ किया, इज़ लाइकली टू बी, इज़ गोइंग टू बी, विल नहीं लगाया बट अपने अलग यूज़ की फॉर्म। फिर की है फिर अपने दसिया कि पॉपुलेशन की सी टाउन की इन्नी आ जी की आ डिवाइड की जा चुकी, विच इज़ डिवाइडेड इन टू, डिवाइडेड मतलब की आ प्रेजेंट द पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जी कि डिवाइड की गई है किसी द्वारा की गई होनी है, विच इज़ लिव, विच इज़ लिविंग इन
ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਟੂ 20,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ 20,000 ਟਾਊਨ ਆ 20,000 29,000 ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਆ ਏਰੀਆ ਇਨ ਅਨਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਡਵੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਨੌਰਥ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਾਊਥ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਸਪੇਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬੋਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਟੂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਇੰਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਾਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੇ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆ ਬੋਥ ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈਦਰ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਮਿਊਟ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬਿਲਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਨੋਨੀਅਮ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਲੈਸ ਟਰੈਫਿਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਲੈਸ ਟਰੈਫਿਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਆਊਟਸਕਰਟ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਲ ਟਾਸਕ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਪ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ ਗਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ